आज मंत्रिपरिषद की बैठक में प्रधानमंत्री जी के अध्यक्षता में खरीफ की फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित करने का निर्णय हुआ है। मैं आपके सामने इसे रखने जा रहा हूं। धान जो सामान्य स्तर का है उसका भाव अभी 1868 रुपया था और अब 21-22 में ये 1940 रुपया हो गया। इसमें 72 रुपये प्रति कुंटल की बढ़ोतरी है जो 50% से अधिक है। ऐसे मैं सभी के आपके सामने रख सकता हूँ, लेकिन सामान्य तौर पर अगर आप देखेंगे तो बाजरा जो 2021 में 2150 रुपया था और बाजरा अब 2250 रुपया होगा, 100 रुपये की प्रति कुंटल की वृद्धि है। अगर प्रतिशत में देखेंगे तो ये 85% की बढ़ोतरी है। इसी प्रकार से अगर हम तूर में अरहर की दाल में देखेंगे तो ये वृद्धि 62% है। उड़द की दाल में अगर देखेंगे तो ये वृद्धि 65% है। इसी प्रकार से ज्वार है, रागी है, मक्का है, मूंगफली है, सूरजमुखी है, कपास है, सभी के भाव निरंतर बढ़े हैं और सब 50% से अधिक हैं। ये टेबल आप सबके समक्ष पहुंचने वाली है। मैं थोड़ा सा आपका ध्यान इस दृष्टि से और आकर्षित करना चाहता हूँ कि जैसे धान सामान्य ग्रेड का है, 2014 में जब हम लोग आए थे उस समय धान का भाव 1360 रुपया कुंटल था और आज MSP की बढ़ोतरी, मोदी सरकार की नीतियाँ, उसके परिणाम स्वरूप यह 1940 रुपया कुंटल है। बाजरा अगर देखेंगे हम तो 14-15 में 1250 रुपया कुंटल था, आज 2250 रुपया कुंटल है। उस समय मक्का को अगर हम देखेंगे तो 1310 रुपया कुंटल थी और आज 1870 रुपया कुंटल है। तूर की दाल को अगर हम देखेंगे तो 4350 थी 14-15 में, आज 6300 है। ऐसे ही मूंग को अगर हम देखेंगे तो 4600 उस समय थी और आज 7275 है। उड़द को देखेंगे तो 4350 थी, आज ये 6300 रुपया प्रति कुंटल है। इस प्रकार से एक तौर से काफ़ी अंतर MSP की जो पॉलिसी प्रधानमंत्री मोदी जी ने घोषित की उस के अनुसार जो निर्णय किए जा रहे हैं उसका परिणाम स्वरूप किसानों को निश्चित रूप से इसका लाभ मिल रहा है। और आपने देखा कि देश भर में बातें तो बहुत चलती हैं, लेकिन पिछले दिनों जब रिफॉर्म की बात आई थी तब MSP के बारे में कई प्रकार की शंका कुशंकाएँ थीं, तो उस समय मैंने भी हाउस में कहा था, माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी देश को आश्वस्त किया था कि MSP है और MSP आगे भी रहेगी। उस वक्तव्य के अनुसार लगातार रवि और खरीफ के MSP घोषित की जा रही है। सरकार गेहूं और धान का उपार्जन FCI के माध्यम से कर रही है। दलहन और तिलहन का जो उपार्जन है वो भारत सरकार अपनी अन्य एजेंसियों के माध्यम से कर रही है, इसलिए इसमें किसी को भी कहीं भ्रम रखने की आवश्यकता नहीं है। MSP चल रही है, MSP बढ़ रही है, MSP पर खरीद भी बढ़ रही है। और मैं धन्यवाद देना चाहता हूं किसानों को कि किसान बंधु अच्छी मेहनत कर रहे हैं, उसके परिणाम स्वरूप उत्पादन और उत्पादकता भी बढ़ रही है। और अगर टोटल में हम देखेंगे तो कुल मिला के लागत पर 62% की वृद्धि इस बार की जो निर्णय है उनमें हो रही है।